अस्सलामुअलैकुम। ज्यादा परसेंट मेल इनफर्टिलिटी जो है वो इन्फेक्शन की वजह से होती है। आप लोगों ने मुझसे ये बहुत ज्यादा सवाल किया था कि मेरा डिस्चार्ज जो है वो पीले रंग का है, येलो कलर का है, उसके अलावा हमारी जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर हमारे पस सेल्स मौजूद हैं। तो आप हमें बता दें कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे कि अगर आपके डिस्चार्ज के अंदर पस सेल्स मौजूद हैं तो उस इन्फेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके अलावा ये इन्फेक्शन किस तरह के होते हैं और आप डाइट के थ्रू इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयशा चीमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि अगर हमारी रिपोर्ट के अंदर, हमारे डिस्चार्ज के अंदर पस सेल्स मौजूद है, इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ हमारे प्राइवेट पार्ट का ही इन्फेक्शन है। ऐसा नहीं होता है। ये पूरा एक जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, विच मीन्स के आपके पेशाब की नाली के अंदर इन्फेक्शन मौजूद है और वो इन्फेक्शन जो है वो आपके प्राइवेट एरिया में आ गया है। और दूसरी वजूहत ये होती है कि आपका जो अमल है वो साफ तरीके से नहीं हो रहा है। अगर आपके पार्टनर को किसी भी तरह का इन्फेक्शन मौजूद है तो वो इन्फेक्शन आपको भी लग सकता है। जो सबसे कॉमन इन्फेक्शन होता है वो होता है ईकोलाई का इन्फेक्शन, जिसको हम यूटीआई भी कहते हैं। दूसरा इन्फेक्शन जो होता है वो क्लमीडिया का इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन जो है वो होता है नॉन स्पेसिफिक यूरेथ्राइटिस होता है। ये बहुत सारी चीजों की वजह से होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा फंगल इन्फेक्शन होता है, जैसे कि थ्रश हो जाता है। तो थ्रश सिर्फ औरतों में नहीं होता है, मर्दों में भी थ्रश हो जाता है, इसको हम बेलेनाइटिस कहते हैं। ठीक है, प्रोस्टेटाइटिस भी जो होता है वो एक्यूट भी होता है, क्रॉनिक भी होता है। ये आपके प्रोस्टेट का इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से जो है आपके पस सेल्स जो है आपके डिस्चार्ज के अंदर नजर आते हैं, रिपोर्ट के अंदर नजर आते हैं। आपके पस सेल्स 0 से लेके 4 तक हैं, यानी कि आपके 0 to 4 पस सेल्स हैं, तो हम उनको ट्रीट नहीं करते हैं। अगर पस सेल्स जो हैं वो 5 हैं, या अगर आपके पस सेल्स 5 से ज्यादा हैं, खास तौर पे पस सेल्स अगर आपके 8 हैं, 10 हैं या 10 से भी ऊपर हैं, तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है उसको एंटीबायोटिक्स के साथ ट्रीट करना। इन्फेक्शन को ट्रीट करना इसलिए इम्पोर्टेंट है, कैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 15% जो है आदमियों का 5-5 इन्फेक्शन की वजह से होता है। बहुत सारी स्टडीज पाकिस्तान में हुई हुई हैं, जिसमें उन्होंने बताया था कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी अगर ये इन्फेक्शन ट्रीट ना किया जाए तो उनके यहाँ औलाद का मसला हो जाता है, औलाद नहीं होती है। तो इन्फेक्शन इसलिए ट्रीट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपके यहाँ औलाद हो सके, आपकी फर्टिलिटी इम्प्रूव हो सके। फर्टिलिटी इसकी इस वजह से अफेक्ट होती है क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से आपके स्पर्म्स की जो स्विमिंग पावर है, उनकी जो मोटिलिटी है वो कम हो जाती है। इन्फेक्शन जो है आपकी स्पर्म की मॉर्फोलॉजी, यानी कि आपके स्पर्म्स की जो शेप है, उसको भी अफेक्ट करता है और आपका स्पर्म काउंट भी डिक्रीज कर देता है। कॉम्प्लिकेशंस ये हो सकती हैं कि आपको फर्दर इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ता जाता है, जो कि चला जाता है आपके प्राइवेट एरिया की ऊपर कवरिंग के ऊपर, जिसको हम कहते हैं एपिडिडिमाइटिस। ठीक है, उसका इन्फेक्शन हो जाता है, एपिडिडिमाइटिस का इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा सेकंड ये हो जाता है कि आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो आपका जो स्क्रोटम है, जो आपका बैग है, उसके अंदर सारी इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है, उसके अंदर इन्फेक्शन चला। कभी ऐसा होता है कि हमारे जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं उनके अंदर इतनी एक्सपर्टीज नहीं होती है, उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो जब वो रिपोर्ट आपकी शाया करते हैं, जब वो आपको आपकी रिपोर्ट देते हैं, तो उसके अंदर वो बता देते हैं कि पस सेल्स आपके जो हैं वो 8 से 10 हैं, या आपके पस सेल्स जो है वो 15 हैं, या आपके पस सेल्स जो है वो 80% हैं। तो हमारे कुछ लैब्स ऐसी हैं जो छोटी मोटी गली नुक्कड़ में लैब्स बनी होती हैं, उसके अंदर जो टेक्नीशियंस मौजूद होते हैं उनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं होता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि एक तो प्रॉपरली केयर नहीं की जाती है उस एनवायरनमेंट को, उस लैब में इतनी सफाई मौजूद नहीं होती है। दूसरा ये कि पसल्स हैं उनको एक्सपीरियंस लोग ही उसका बता सकते हैं कि वो मुख्तलिफ हैं आपके स्पर्म के सेल्स से, उनको हम कहते हैं प्रीकर्सर स्पर्म सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्या हम डाइट के थ्रू अपने इन्फेक्शन इम्प्रूव कर सकते हैं? इन्फेक्शन एज एन ओवरऑल आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो ये है कि आप पानी ज्यादा पिए, कम से कम 2 लीटर पानी आपने पीना है। ठीक है, सेकेंडली आप चाय और कॉफी कम पिए। थर्ड ये है कि आपने अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन वाले खाने नहीं खाने हैं, जैसे गोश्त हो जाता है, चिकन हो जाता है, दालें हो जाती है, इनसे थोड़ी देर के लिए आपने परहेज करनी है।
आपने अपनी डाइट के अंदर, फोर्थ पॉइंट ये है कि आपने अपनी डाइट के अंदर फ्रेश वेजिटेबल्स खाने हैं, सब्जी खानी है, फल खाने हैं फ्रेश लेकर। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है कि आपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं लेने हैं, जैसे ये पेप्सी है, कोक है, मिरिंडा है, इस तरह के कोई भी। और जाहिर है इसी के साथ आपने शुगरी, सिक्स पॉइंट आ जाता है जिसमें आपने शुगर वाले खाने नहीं खाने हैं और आपने जंक फूड नहीं इस्तेमाल करने हैं। अब बहुत अहम सवाल आ जाता है कि क्या इस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स लेना जरूरी है। देखिए, मैंने बहुत सारे ऐसे YouTube पे वीडियोस देखी हैं जहां पे लोगों ने ये दावा किया है कि इस हर्बल ट्रीटमेंट के थ्रू आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। अगर आप अनार का छिलका कूट लेंगे या आप ये वाला बीज खा लेंगे तो आपके पस सेल्स खत्म हो जाएंगे। आई एम सॉरी टू से, ऐसा नहीं होता है। पस सेल्स को टारगेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर एंटीबायोटिक्स का कोर्स करें, ठीक है। एंटीबायोटिक्स का कोर्स इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंटीबायोटिक्स जाके उस कॉज को, उस वजूहात जो होती हैं आपके इन्फेक्शन की, उसको टारगेट करती हैं, उसको खत्म करती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पस सेल्स हैं तो आप प्लीज एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाएं, अपना केस मत खराब करें खुद अपने हाथों से, ठीक है। ये जो अनार के छिलके होते हैं या ये जो बीज होते हैं, ये उस एरिया को टारगेट नहीं करते हैं। तो अगर आपका, देखिए, अगर आपको पस सेल्स मौजूद हैं तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, ये फंगल भी हो सकते हैं, ये वायरल भी हो सकते हैं, और ये किस एरिया में मौजूद है ये उन लोगों को नहीं पता है। तो ये एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स मिलती हैं, ये एंटीबायोटिक्स उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए होती हैं और उस पर्टिकुलर जगह को ट्रीट करने के लिए होती है जहां पे वो इन्फेक्शन मौजूद है। एंटीबायोटिक लेने से पहले बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। इस वीडियो में मैं दो एंटीबायोटिक्स मेंशन कर देती हूं जो सेफ है लेने के लिए। एक है कोट्रिमोक्सिजोल, ये सेप्ट्रॉन के नाम से भी आती है, सेप्टर डी एस जो होती है, डबल स्ट्रेंथ होती है, ये पाकिस्तान में हर घर में मौजूद होती है ये एंटीबायोटिक, ठीक है। ये आपने टैबलेट लेनी है, एक टैबलेट लेनी है दिन में दो मरतबा, खाने के बाद आपने इस्तेमाल करनी है और ये आपने 14 दिनों के लिए लेनी है। अब कुछ पाकिस्तानी हैं या हमारे कुछ मुल्क के लोग ऐसे हैं जो इम्यून होते हैं, उनकी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, वो उनको ये दवाई असर नहीं करती है, तो वो ले सकते हैं कैफेक्सिम टैबलेट है, ये आप ले सकते हैं 400 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम की टैबलेट है जो आपने खाने के बाद इस्तेमाल करनी है कम अज कम 10 दिन के लिए। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपके लिए मुफीद होगी। मेरी अगली वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।